नई कथा और भजन के लिए कथा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि भक्ति आपसे और आपसे भक्ति सदैव जुड़ी रहे। मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर का नाम सभी ने सुना होगा। ये रास्ते में भीड़ देखिए, सारे के सारे अभी प्रेम मंदिर की ओर भीड़ जा रही है। वहाँ भी भीड़ ऐसे ही देखने को मिलेगा। जिस तरह आगरा के ताजमहल प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, ठीक वैसे ही वृंदावन का प्रेम मंदिर श्री राधा प्रेम की कहानी कहती है। इस मंदिर की खूबसूरती इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्त घंटों इनकी भव्यता में खो जाते हैं। जिक्र अवश्य ही होता है कि संसार में आध्यात्मिक प्रेम से राधा कान्हा के प्रेम ने ही करवाया था। श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है कि प्रेम केवल प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच नहीं, बल्कि सखी साथियों माता पिता एवं भाई बहन पशु पक्षी के साथ भी हो सकता है। वैसे कृष्ण की नगरी में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। इसके साथ ही मथुरा के वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह प्रेम को समर्पित है। इस मंदिर को प्रेम मंदिर के नाम से लोग पहचानते हैं। तो आइए जानते हैं वृंदावन में प्रेम मंदिर की इस कथा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कथा भक्ति में। तो आज आपको हम श्री वृंदावन के प्रेम मंदिर के भव्य दर्शन कराने के साथ साथ इनकी मनमोहक कथा की चर्चा करने वाले, जो आपको वृंदावन लाने के लिए काफी है। तो देर ना करते हुए चलते हैं इस पवित्र धारा की सबसे आधुनिक, सबसे खूबसूरत, मनमोहक मंदिर की ओर। तो आप भी राधे राधे बोलते जाइए और अपने फ़ोन से ही इस मनमोहक मंदिर के दर्शन का आनंद उठाइए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ आने का रास्ता बता दूँ। अगर आप मथुरा के रास्ते आ रहे हैं तो अटल्ला चुंगी से ई रिक्शा ले लें, वह आपको यहाँ तक छोड़ देंगे। इस प्रेम मंदिर के बगल में ही इस्कॉन टेम्पल भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है 5वें गुरु जगत कृपालु महाराज जी द्वारा बनाया गया था। इनका निर्माण कार्य 14 जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसको बनने में पूरे 11 साल का समय लगा था, जो कि 17 फरवरी 2012 में पूरा हुआ था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट है, लंबाई 122 फीट है। मंदिर की चौड़ाई की बात करें तो लगभग 115 फीट है। अभी हम प्रेम मंदिर के पीछे वाले भाग के ठीक बीच पे खड़े हैं। इस मंदिर के चारों ओर भगवान के लीलाओं को दर्शाया गया है, जो कि देखने में काफी ही सुंदर लग रहा है। प्रेम मंदिर के मुख्य द्वार पर मयूर आकृति के 8 नकाशी वाले तोरण लगाए गए हैं। मंदिर के भीतर दीवारों पर कृपालु जी महाराज की झांकियां भी बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर में लगभग 94 स्तंभों का निर्माण किया गया है। मंदिर में इटली से मंगवाए गए संगमरमर के पत्थरों से निर्माण किया गया है। बात बजट की करें तो उस समय लगभग 100 करोड़ रुपए लगे थे। ये रंग बिरंगे लाइटों के साथ आप प्रेम मंदिर को इतना सुंदर देख सकते हैं। हर हमेशा लाइट चेंज होती है। ये देखिए दूसरे कलर हो गया, तो ये देखिए। प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण के प्रेम के अनगिनत प्रसंगों को चित्रित किया गया है। मंदिर में स्थापित श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को सुकून मिलता है। प्रेम मंदिर जहाँ हर दिन सफ़ेद संगमरमर पर
चमक दिखाता नजर आता है, तो वहीं शाम होते ही लाइट के कारण वह हर 30 सेकंड में अलग अलग रंगों में सराबोर दिखाई देता है। अगर आप वृंदावन आते हैं और प्रेम मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तो यूं समझिए प्रेम की नगरी में आके आप कुछ नहीं देखे। राधे राधे। तो फाइनली हम लोग का ये ट्रिप हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आप पीछे भी देख सकते हैं भीड़ कितनी है, और अब फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तो आपको ये प्रेम मंदिर कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आई होप मज़ा आ रहा होगा आपको। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय श्री राधे राधे।